हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ली जीवन वेस के बारे में, जो कि मैंने इंस्टॉल किया है शाओमी MI A2 डिवाइस के अंदर। सो ये जो रॉम है दोस्तों, इससे मैंने लगभग MI A2 डिवाइस के अंदर लगभग एक वीक से भी ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ। एंड मेरा जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से बैटरी बैकअप मिलता है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या फीचर्स मिलती है इस रॉम के साथ, वो मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करना। सो सबसे पहले चलते हैं सेनिस के अंदर। एंड सेनिस मेनू कुछ इस तरह से है, UI का आपको कुछ टचेस भी मिलेगा। एंड उसके बाद अवार्ड फोन के अंदर चलते हैं। एंड अवार्ड फोन के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे एंड्रॉइड वर्सन के अंदर हमें एंड्रॉइड 10 मिल जाती है। लीजियन वेस के अंदर वर्सन है 2.11। बिल्ड नंबर आप देख पाओगे 5th August 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। जो कर्नल है वो भी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। एंड यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्सन है तो एंड्रॉइड 10 हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये जो बिल्ड है तो ये MI A2 डिवाइस के अंदर आपको ऑफिशियल मिलता है दोस्तों। ऐसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे बिल्ड नंबर के अंदर आपको ऑफिशियल मिल जाती है। लीजियन वेस का ऑफिशियल सपोर्ट आपको शाओमी MI A2 डिवाइस के लिए मिलता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिल्ड के अंदर हमें नया क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स है इस रॉम के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मैं ऑल फीचर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रॉम है दोस्तों आपको लीजियन सेटिंग्स के अंदर कस्टमाइजेशन लैब के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ढेर सारी ऑप्शन है। सबसे पहले क्विक सेटिंग्स के अंदर वाइब्रेशन ऑन टॉर्च का ऑप्शन है, क्विक पुल डाउन, सिस्टम इन्फो, ये सभी ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाती है। सो देख पाओगे मोस्टली ऑप्शन दोस्तों आपको एवोल्यूशन एक स्कॉटवर्स वेस के अंदर मिलता है। बट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन को इस बिल्ड के अंदर भी ऐड किया गया है। वर्सन 2.1 है इसलिए आप समझ सकते हो 2.1 की सबसे जो ऑप्शन दिया गया है, कस्टमाइजेशन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कस्टमाइजेशन मिल जाती है इस रॉम के अंदर। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इस 2.11 बिल्ड के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर आपको बैटरी मीटर व्यू के अंदर रैंडम कलर का ऑप्शन मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डार्क मोड मिलता है। एंड डार्क मोड के अंदर दोस्तों हर टाइम आप देखोगे यहाँ पर जो कलर है चेंज होते ही रहती है। देखिए भाई साहब, देखो कलर चेंज हुआ, इस बार चेंज हुआ, हर टाइम दोस्तों आपका जो कलर है दोस्तों यहाँ पर चेंज होता ही रहता है। इसे भी नया ऐड किया गया है रैंडम कलर मोड को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर थीम मिल जाती है इस रॉम के अंदर, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो शायद थीमिंग के अंदर। सो यहाँ पर आप देख पाओगे लाइट थीम है, लीजियन थीम है दोस्तों। उसके बाद एक्सटेंडेड क्लियर मटेरियल, ओशन, डार्क ग्रे, पीच ब्लैक, चोको मिलता है, एंड ग्रीन है, डार्क है, यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको UI का मोड मिल जाती है, राउंडेड कॉर्नर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसी यूज कर सकते हो। अगर आप फॉन्ट, आपको ढेर सारी अलग अलग फॉन्ट्स भी मिलती है, आप जो भी आपको पसंद आए यहाँ से आप फॉन्ट को भी डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आप जो शेप है प्रीवियस शेप भी अवेलेबल है, UI को आप चेंजेस कर सकते हो दोस्तों। ये सभी ऑप्शन आपको नॉर्मली जो कस्टमाइजेशन UI है उसके अंदर मिल जाती है। एंड ब्लर करने का भी ऑप्शन मिलेगा, इसके देख पाओगे पीछे का जो है दोस्तों ब्लर हो गया है, थीमिंग के अंदर ये मिलेगा। एंड गेस्चर्स की बात करूँ, USB गेस्चर्स है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप चाहो तो जो हाइड कर सकते हो नेविगेशन बार को, यहाँ पर जो नेविगेशन बार आता है उसे आप हाइड कर पाओगे यहाँ पर से। एंड आप जो स्विचेस है, स्विचेस भी आप देख पाओगे, स्विचेस भी नया वाला स्विचेस हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह के आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन इस रॉम के अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद डार्क मोड का इनेबल करने के बाद जो सार्जर का कलर है वो फिक्स करके दिया गया है। 4G आइकॉन, क्वालिटी आइकॉन के लिए मिल जाती है। क्लॉक सेटिंग्स, यहाँ पर आप AM PM को डाल सकते हो, जो फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। भाई साहब ये सभी ऑप्शन में ऑलरेडी कॉडवास वेस के अंदर, एवोल्यूशन वेस के अंदर मिल जाती है। सो अगर आप वो दोनों वेस यूज कर चुके हो तो इस रॉम के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती है। टोटल 16 फॉन्ट को यहाँ पर डाला गया है। एंड डार्क UI थीम को भी डाला गया है। उसके बाद जो अपडेटर इशू था उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको मिलती है चार्जिंग LED बटन्स यहाँ पर, जिसके अंदर आप वॉल्यूम, स्टेप, म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगी। पावर मॉनिटर के अंदर दोस्तों एडवांस रिबूट का ऑप्शन है। एंड लॉक स्क्रीन के अंदर भी एडवांस रिबूट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड फिल्टर का ऑप्शन है, ये देखो ब्लर हो गया। उसके बाद ग्रे स्केल का ऑप्शन है। सो मुझे पर्सनली ब्लर वाला ही पसंद है भाई साहब। एंड अगर बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की कुछ इस तरह से है, बढ़िया है भाई साहब, जो काम है ये कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स के अंदर एडेप्टिक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड हर टाइम दोस्तों आप जब भी दोस्तों यहाँ पर रैंडम कलर को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, हर टाइम दोस्तों आपको नया कलर शो करेगा, जो काफ़ी बढ़िया है, आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर मिलता है। उसके बाद एनिमेशन देखिए भाई साहब, बहुत सारी एनिमेशन आपको अलग अलग एनिमेशन को आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर फ्रेंटिक मोड का ऑप्शन है।
एंड सेंसर ब्लॉक पार पैकेज का ऑप्शन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस बार के अंदर ढेर सारी ऑप्शन, तो ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, यहाँ पर आप अपडेट डाउनलोड स्पीड को चेक कर सकते हो, एरर्स को हाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर दोस्तों जो परसेंटेज है दोस्तों वो बैटरी परसेंटेज जो है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो एस्टिमेट बताता है बैटरी एस्टिमेट उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब कस्टमाइजेशन आपको भरपूर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वन प्लस का जो बैटरी स्लाइडर है उसे भी इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर ऐड किया गया है। वन प्लस का क्लॉक स्टाइल, वन प्लस का कुछ विजर्स भी यहाँ पर ऐड किया गया है। सो बहुत सारी चीजें दोस्तों जो कि आपको और एक एवोल्यूशन एक स्कॉर्पियो इसके अंदर मिलती है, वो वहाँ पर जितने भी फीचर है इस रॉम के अंदर डाला गया है जो कि काफी बढ़िया है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों स्मूथनेस के बारे में काफी बढ़िया है, आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड किया था जो इस रॉम का रिव्यू कीजिए, तो फाइनली इस रॉम का जो रिव्यू है मैं डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पर बैटरी आइकॉन जो है दोस्तों उसे भी फिक्स कर दिया गया है। पहले क्या होता था अगर ब्लूटूथ बैटरी मतलब आपके डिवाइस पर जो ब्लूटूथ का बैटरी है वो दिखाता नहीं था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है, स्टेबिलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है। एंड अगर बात करें यहाँ पर कैमरा टू एपीआई की, लेवल 3 का सपोर्ट है। अगर आप गूगल कैमरा यूज करना चाहते हो, जीकेम यूज करना चाहते हो इस रॉम के अंदर, वो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो कैमरा है दोस्तों वो हमें कुछ इस तरह से मिलती है जो कि ठीक ठाक काम कर लेती है। एंड नाउ बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डिवाइस के अंदर क्या क्या अपडेट किया गया है, एमआई टू डिवाइस के लिए क्या क्या अपडेट किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लूटूथ के अंदर इशू था ब्लूटूथ कॉलिंग के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कॉलिंग भी कर सकते हो, कोई भी इशू की बात नहीं है। एंड ईएसी उसे बिल्ट करके दिया गया है, आपका जो वॉल्टी है उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर सीपीयू जेट की, तो मैं आपको सीपीयू जेट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। हिस्ट्री के अंदर सिंगल कोर के अंदर हमें मिला है 339 एंड मल्टी कोर के अंदर हमें मिला है 1269, जो कि दोस्तों मेरे सबसे काफी है। सो मल्टी कोर एंड सिंगल कोर दोनों का स्कोर काफी बढ़िया मिला है, अच्छा खासा हमें स्कोर मिल गया है इस रॉम के अंदर। ये जो रॉम है दोस्तों मेरी सबसे ये जो रॉम है लाइनेज स्कोर बेस करके तैयार किया गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ लाइनेज का ही एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर प्रिंस्टॉल मिल जाती है। अगर बात करूँ बैटरी लाइफ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो 18 आवर्स तक मैंने चार्ज किया था, 23 मिनट तक मैंने यूज किया, बैटरी जो है दोस्तों अभी भी 83% के आसपास है। तो बैटरी लाइफ जो है दोस्तों काफी एक्सलेंट बैटरी बैकअप मिलेगा, स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको कुछ कुछ एनिमेशन कॉर्वस ओएस की याद दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमेशन है दोस्तों आपको मोस्टली कॉर्वस ओएस के अंदर मिलती है। सो मतलब कॉर्वस ओएस के अंदर पहले आया था, उसके बाद इसे डाला गया है। सो यहाँ पर कुछ कुछ एनिमेशन है जो कि आपको कॉर्वस ओएस के अंदर मिलती है, वही यहाँ पर डाला गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। नाउ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट को ट्राई करते हैं। ये देखो भाई साहब फिंगरप्रिंट काफी फास्ट है देखो, एंड वर्किंग कंडीशन के अंदर भी है, फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। एंड जो फेस अनलॉक है उसे सेटअप कर लेते हैं। सो जो फेस अनलॉक है उसे हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। नाउ फेस अनलॉक को ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, पिन रिक्वायर्ड है, सो भाई साहब पिन पूछ रहा है, पिन को डालते हैं। सो टेस्ट करते हैं, काम कर रहा है भाई साहब। सो फेस वाला काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ हॉटस्पॉट की, ऑलमोस्ट सभी चीज ही काम कर रही है, कोई भी इशू की बात यहाँ पर नहीं है। एंड इस रॉम के अंदर दोस्तों आपको प्ले स्टोर को अलग से फ्लैश करना होगा। सो जो जी ऐप से गूगल ऐप से आपको अलग से फ्लैश करना होगा। एंड डिवाइस सर्टिफिकेट की बात करूँ, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर आपको डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, गूगल पे फोन पे, दोस्तों इस रॉम के अंदर आपको फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई भी इशू नहीं है। और एक बात है दोस्तों, इस रॉम का डाउनलोडिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अभी फिलहाल ये जो रॉम है करंटली बेस्ट रॉम कह सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट रॉम, क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। कॉर्वस ओएस का फीचर मिलेगा, एवोल्यूशन एक्स का फीचर मिलेगा दोस्तों, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगी, ऑलमोस्ट सभी चीजें काम कर रहा है। तो इस रॉम को जरूर से ट्राई करना दोस्तों, काफी बढ़िया रॉम है। एंड इन फ्यूचर आप अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंस्टा में फॉलो कर लेना। ओके चलो मिलते हैं, बाय। एंड भाई साहब बाय करने से पहले एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए। एंड यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज किया गया है, तो ये आपका वन प्लस का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर आप इंटरनल ऑडियो जो है उसे भी यहाँ पर से रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, सो आप गेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड फैंटिंग मोड मिलता है, नियर बाय शेयरिंग है, बेड टाइम मोड भी मिल जाती है, एओडी का ऑप्शन है दोस्तों, एंड सिस्टम थीम्स का तो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।